हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु जी की ज्ञानशाला में। दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क का ओवरव्यू। कंप्यूटर नेटवर्क के ओवरव्यू को देखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे एरर डिटेक्शन के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली एरर डिटेक्शन बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें होता है वीआरसी, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीआरसी में दोस्तों क्या करते हैं हम, पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं। ठीक है, और जैसे और कैसे ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं। अब इसका नाम वर्टिकल है लेकिन इसमें ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टली, कैसे वो मैं बताता हूँ। वो ऐसे करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी बिट्स 10111 है तो अगर आपको पूछा है कि वीआरसी में ये कोड क्या होगा, ठीक है, तो वीआरसी में ये कोड क्या होगा, तो वीआरसी मेथड से इसका आगे क्या करेंगे हम। तो दोस्तों, हम एक पैरिटी बिट ऐड करते हैं एक डेटा के बाद। ये मेरा पूरा डेटा है, तो डेटा के बाद हमें एक पैरिटी बिट ऐड करनी होती है। ठीक है, ये वन है ना, तो ये भी वन है और ये भी वन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई पैरिटी बिट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं, हम लेते हैं ऑड पैरिटी। क्या लेते हैं? ऑड पैरिटी बाय डिफॉल्ट। ऑड पैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ वंस वंस, ठीक है, नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि चार, हमारे इसमें पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच बिट का डेटा है लेकिन नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक दो तीन चार, चार हैं, और लेकिन ऑड पैरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। तो चार वन है यानी एक वन और ऐड करते तो ऑड हो जाएगा, तो इसकी पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी, वन। तो वीआरसी में 10111 को क्या लिखा जाएगा, 10111, जो कि ये पैरिटी बिट है। इस तरह दोस्तों, अगर अगर मान लीजिए कि हमारा डेटा दिया हुआ है 1011, अब इसकी पैरिटी बिट क्या होगी, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस तीन है यानी ऑड है, तो हम इसकी पैरिटी बिट जीरो होगी। क्या अब वन ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, और हमें नंबर ऑफ वंस क्या चाहिए, ऑड चाहिए, हमें नंबर ऑफ वंस क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो ये हुआ वीआरसी, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। और इसमें दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये क्या करता है, ये काउंट करता है नंबर ऑफ वंस पर 8 बिट। कैसे काउंट करता है वो मैं बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि डेटा जो है वो 8 बिट का है, 10110101। अब इस यहाँ पे एक पैरिटी बिट होगी, तो वो पैरिटी बिट क्या होगी, नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। तो यहाँ तीन वन है, चार वन है, पांच, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी पैरिटी, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ वन ऑड है। तो ये पर 8 बिट पे एक पैरिटी बिट है मेरी, इसलिए ये पर 8 बिट पे कितनी कौन सी बिट है उसको वो चेक करता है। अच्छा, कुछ नहीं दिया है तो ऑड पैरिटी लेना है, लेकिन अगर दिया हुआ है कि वीआरसी वर्क कर रहा है इवन पैरिटी पे, तब क्या करेंगे आप, तब आपको नंबर ऑफ वंस कितने करने हैं, इवन करने, यानी 1011 दिया हुआ है तो अब आपकी पैरिटी बिट क्या होगी, यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तीन, तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आप इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं दिया है तो ऑड पैरिटी, अगर इवन पैरिटी दी है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये सिर्फ किसको, सिंगल बिट एरर को ही पकड़ पाता है। ठीक है, सिंगल बिट एरर, अगर बर्स्ट एरर है यानी कि बहुत सारी बिट के एरर है तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए जब ये फेल हुआ तो हमने आगे के मॉडल हमारे सामने आए, इसका ये एडवांटेज है और ये कह लीजिए इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आप इस वीडियो में आपने ये पढ़ा, अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा LRC क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।